आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के जो चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल, वो न्यू होते हैं, कुछ वीक्स, कुछ दिन हुए वो होते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस पे व्यू अच्छे आ रहे होते हैं और उनके जो चैनल पे सब्सक्राइबर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर लेते हैं अपने व्यूज़ की मदद से, और उनकी वीडियो रैंक करने लग जाती है। तो उनका कंटेंट भी अच्छा नहीं होता, थंबनेल भी बस ठीक ही होता है, लेकिन उसके मुकाबले में आपका कंटेंट भी अच्छा है, आपका मतलब थंबनेल जो आप यूज़ करते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल, वो भी सारा कुछ बेस्ट है। लेकिन ऐसी कौन सी ट्रिक है जो उनके पास है जो आपके पास नहीं है? ऐसा कौन सा मेथड है जो वो यूज़ करते हैं और उनकी वीडियो बूस्ट करने लग जाती है, रैंक करने लग जाती है और अच्छे व्यू और अच्छे फॉलोअर हासिल करती है बिल्कुल कम वक्त में, उनका चैनल जो होता है प्रमोट हो जाता है? यही चीज़, यही मेथड, यही ट्रिक आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बताऊंगा कि मैं इस चीज़ की सर्विस देता हूं, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, शायद कुछ लोगों को मतलब मुझे वो जनरल यूट्यूबर यूट्यूबर समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ की ऑनलाइन सर्विस भी देता हूं। तो मैं, आप यहां से इस चीज़ का प्रूफ देख सकते हैं कि मैं डिफरेंट चैनल पर काम कर रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं कि डिफरेंट चैनल पर मैं इस चीज़ की सर्विस देता हूँ, उनके चैनल की प्रमोशन के लिए, उनके चैनल को रैंक करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से आपने सबसे पहले तो मैं एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ अपने किसी चैनल की। चलें यही वीडियो मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को मैंने बतानी है, Are you feeling heartbroken over a तो ठीक हो copyright गया। claim? यहाँ से इसको मैटर कर लेता हूँ। इसके बाद तो आप लोगों ने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊँगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपको फ्री मिलेगा। वैसे पेड होता है, मे बी 50 से 60 डॉलर का होता है, लेकिन आप लोगों को फ्री मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से कि ये मेरी वीडियो है, ठीक है? इस पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ये मेरा मेन टाइटल कीवर्ड है, इसको मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ कि आया ये वीडियो मेरी रैंक कर रही है कि नहीं कर रही। फिर इसके जो अवामिल है मैं बताऊँगा कि आपने अपनी वीडियोस को कैसे करना है, कैसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक हो गया? तो देख सकते हैं ये मेरी वीडियो सेकंड नंबर पे रैंकिंग पे आ रही है, बाकी इतने मतलब वीडियोस भी हैं लेकिन ये वीडियो सेकंड नंबर पे आ रही है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो आप लोगों ने ऐड करना है? तो सबसे पहले लेट्स से कि आपका जो कंटेंट है, जो आपकी वीडियो है, जो आपका टॉपिक है, उसका मेन जो कीवर्ड है आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे लेट्स से कि ये है मेरा मेन कीवर्ड, ठीक है? और ये टूल जो आपको मैं दूंगा, आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने हैशटैग फाइंड करने हैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगाने के लिए। तो हैशटैग वाले फाइंड इसमें आएंगे, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें पेस्ट करेंगे जो आपका मेन टाइटल है, ये तो वैसे मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है? तो आप लोगों ने कोई भी आपका मतलब टूल है, कोई भी आपका मतलब सॉरी आपका कोई भी टाइटल है, वो आप लोगों को पता होगा आपकी वीडियो के लिहाज से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे 5 से 10 पे रखना है और क्या करना है, इसको सर्च कर लेना है। ये इस टाइटल के ज़रिए जो हैशटैग होंगे उनको मतलब ये सर्च करेगा, और ये हैशटैग आपने टैग में नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन में लगाने हैं। तो यहाँ से आपको मिलेंगे टैग, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये टैग जैसे क्लिक करेंगे, ये टैग आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एडिट होते जाएंगे। तो यहाँ से इन टैग्स को ठीक हो गया, आपने फ्री टैग ये जनरेट कर लिए हैं। ये टैग क्या करते हैं, ये टैग ये वो वीडियोस हैं जो पहली 10 वीडियो हैं जो रैंकिंग में आ रही हैं, उनके जो उन टैग्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जिनकी मदद से जिनके थ्रू वो रैंक कर रहे हैं, मतलब उनको आपने टैग यहाँ से कॉपी कर लिए और अपनी वीडियोज़ में लगा लिए हैं। वैसे तो मतलब ये कैसे रैंक कर रही हैं, उनको फिर एक अलग सा टूल है, अलग सा सॉफ्टवेयर है, वो मतलब यूज़ करते हैं रैंकिंग के लिए, तो वो चेक करते हैं कि ये टैग रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों को बनना बनाया मतलब टैग मिलेगा उन्हीं का, आपने कॉपी कर लेना है। आपने जाकर एक एक वीडियो को देखेंगे, वो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट टाइम में मतलब सारे टैग्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया? इसके बाद डिस्कवर, डिस्कवर में जाएंगे कि आपने अब टैग कैसे लगाने हैं, टैग कैसे लगाने हैं।
तो वही चीज़ जो हमने कॉपी की हुई थी, ठीक है। ऐसा करेंगे, इसको भी 5 से 10 पे रखेंगे, तो यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये बताएगा, ये देखें, ये जितनी भी वीडियोस होंगी, रैंकिंग पे वीडियो होंगी यूट्यूब वॉच टाइम की, ये सारी मतलब फर्स्ट लाइन पे आ गई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट जैसे ये इस व्यू कीवर्ड, इसकी कीवर्ड चेक कर लेंगे। और इसके कीवर्ड कैसे चेक करेंगे, ये देखें, अब यहाँ जाएंगे व्यू कीवर्ड, इस पर करेंगे, तो ये देखेंगे इसने, ये देखें हैशटैग, ये हमने पहले, ये सारे हैशटैग हमने निकाले हुए हैं पहले से, ये जितने भी हैशटैग हैं ये हमने निकाले हुए। लेकिन आप लोगों ने इसके ये जो टैग हैं जो इन्होंने सर्चेबल किए हुए हैं, ये यहाँ से निकाल लेने हैं, ठीक है। यहाँ से व्यू कीवर्ड पर जाएंगे, इसके भी व्यू कीवर्ड पर जाएंगे, और इनके जो मेन हैशटैग हैं वो निकाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप मेन कीवर्ड आप अपना यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे टाइटल भी लिख सकते हैं, ये तो ऑप्टिमाइज़ के लिए मैं मतलब लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो चीज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेन जो टैग्स हैं रैंकिंग, आपने वो निकालने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टैग्स, आप लोगों को नहीं पता होता ना कि आपने टैग्स कौन से लगाने हैं, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होता। तो आप लोगों ने यहाँ से मतलब वो टैग्स निकाल लेने, लेट्स से कि ये टैग है, ठीक है। आपने फिर इनको कॉपी करना, इनको कॉपी वहाँ पर लिखना। लेकिन वहाँ पर आपने एक और चीज़ चेक करनी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो है, इसकी जो वीडियो SEO स्कोर है ये 100 में से 94 बता रहा है, ठीक है। इसमें मतलब टैग काउंट, ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 50 पे होती है परफॉर्मेंस, और ये मेरी वीडियो 50 पे ही जा रही है। रैंकिंग टैग्स 5 हैं, हाई वॉल्यूम रैंकिंग टैग्स भी 5 हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये भी टैग मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, हैशटैग, ठीक हो गया। ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, और आप लोगों ने क्या करना है, इसके ये जो हमने यहाँ पे टैग लगाए हुए हैं, हैशटैग हमारे डिस्क्रिप्शन में चले गए, ठीक है, वहीं जो वहाँ से कॉपी किए हुए थे, और ये टैग्स हमने वहाँ से जो डाउनलोड किए थे, आप यहाँ पे आके चेक करेंगे। तो ये आपको मैं एक और टूल बताऊंगा कि आप लोगों ने जो उसके ये जो नंबर बता रहे, ये अगर इस कीवर्ड को कोई बंदा सर्च करेगा, मैं पहले नंबर पर रैंक करूँगा, इस कीवर्ड पर भी मैं पहले नंबर पर रैंक कर रहा हूँ, इस पे 6 नंबर पे, इस पे 8 नंबर पे, ये बता रहा है रैंकिंग बता रहा है। और ये विड IQ, एक और होता है ट्यूबडी, वो मतलब सही काम नहीं करता। तो विड IQ ज़बरदस्त है, इसको ये एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन है। आप लोगों को इसकी प्रीमियम भी होता है, लेकिन आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप फ्री को यूज़ कर सकते हैं। विड IQ आपने इसको अपनी क्रोम में एक्सटेंशन में इसको ऐड कर लेना, और अपना यूट्यूब का अकाउंट इसमें ऐड करना है। तो यहाँ सर्च कर लेते ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। फ्री साइनअप कर लेना है आपने इसको, मतलब परचेज़ नहीं करना, यहाँ से साइनअप मतलब कर लेंगे गूगल अकाउंट से, जो आपका यूट्यूब का अकाउंट होगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका सर्च वॉल्यूम बताएगा, ये उसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि इतने लोग इसको पर मंथ सर्च कर रहे हैं, 3,249 नंबर पर, ठीक है। ये उसका, ये देखें, ये मैंने यूज़ किया हुआ, इसमें से कुछ कीवर्ड आपके ये देखें वेरी हाई, इसका जो कंपटीशन है, जितनी ऑल ओवर वीडियोस पड़ी हैं इसमें आपको कंपटीशन, इस मतलब जितनी वीडियोस पड़ी हैं उनका जो कंपटीशन वेरी है, हाई है इस कीवर्ड पे। इस कीवर्ड के ज़रिए आप उस कंपटीशन आपका ज़्यादा है, आप रैंकिंग करने में मतलब आपको मसला होगा। लेकिन मेरी वीडियो इस कीवर्ड पे फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मेरी वीडियो इस नंबर पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। लेकिन आप लोगों को मसला होगा इस कीवर्ड पे, अब रैंक करने के लिए आपके पास ऑडियंस जो होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी, स्टार्ट में आप लोगों को मसला होगा। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम, इसका कंपटीशन चेक कर सकते हैं, बेशक आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऐसा कीवर्ड है और इसको 52,000 लोग पर मंथ सर्च करते हैं, और इसका कंपटीशन भी नहीं है। आप देखिए कितना अच्छा कीवर्ड आप यूज़ करके रैंक कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे कीवर्ड हो गया, इसका सर्च वॉल्यूम 33,000 है, और इसका कॉम्पिटिशन बिल्कुल लो है, 70% चांस है इसको रैंक करने के इस कीवर्ड पे। तो आप लोगों ने इस टूल को यूज़ करते हुए ये सारा कुछ यहाँ से चेक करना है। यहाँ से आपने मतलब टैग्स निकालने हैं, टैग्स मतलब यहाँ से आप लोगों ने ये मतलब हैशटैग निकालने हैं, हैशटैग डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन में करने के बाद, और आप लोग टाइटल भी चेक कर सकते हैं, इस वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, इस वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, और टाइटल भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
अगर आप लोग चाहते हैं ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इस टूल के ज़रिए, बेशक मैं तो नहीं करता क्योंकि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मतलब इस हद तक है कि मुझे इसका एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं मगर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ कैसे करेंगे, तो लेट्स से कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ये टाइटल है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये 23 हो गए। आपने सबसे पहले तो इसके स्कोर 80 से ले के 100 तक करने हैं, 80 प्लस करने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अच्छे होंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करने में मदद मिली। कहाँ पे? यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन एसईओ स्कोर होंगे ये जनरेट करने में वो सॉफ्टवेयर आपको मदद करेगा, लेकिन यहाँ पे वर्क आपको मज़ीद करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाती है यहाँ से। जो अब ऑप्टिमाइज़ करके जब आप सारा कुछ ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, तो आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, टैग कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, टाइटल जो होगा सारा कुछ। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, प्लीज़ एडिट टाइटल। तो यह कह रहा है आपका टाइटल नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस जो आपका जो भी टाइटल होगा आप लोगों ने वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको बताना है कि ये भाई टाइटल है हमारा। तो फिर इसको एनालाइज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फिर स्कोर, आपने ये स्कोर जनरेट करने हैं और उसमें से आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ये वाली। ये बता रहा है कि प्लीज़ एडिट ए गुड थंबनेल, आपने अच्छा थंबनेल ऐड करें, एडिट मोर टैग, ये टैग देखें वो कह रहा काम है, आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ मैं डबल, ये देखें, सॉरी गलत पेस्ट हो गया मुझसे, 56। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टैग ऐड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें अगर ऐड करेंगे तो इसके जो स्कोर होंगे वो जनरेट ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें 60 पे आ गया, आपने इसको 80 प्लस रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। 80 प्लस कैसे होगा, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, जैसे ये चीज़ें फॉलो करेंगे आपका जो चैनल होगा तो उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन होगी यहाँ पे आपकी हेल्प आउट करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ पे डाल लेना है। इसमें जो और चीज़ें हैं, इसमें आप ऑप्टिमाइज़ का एक डिस्कवरी का, डिस्कवरी में आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, आप इससे हैशटैग फाइंड कर सकते हैं, आप इससे कीवर्ड मतलब वो ढूंढ सकते हैं जो मैंने पिछली बार आपको बताया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं उसमें बता रहा हूँ कि अगर आपका चैनल बिल्कुल न्यू है ना, तो वो आपको बताएगा कि रैंकिंग डिफ़िकल्टी है जो फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल मुश्किल है और फोर्थ नंबर पे भी बिल्कुल मुश्किल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहले हमने लिखा था वॉच टाइम, लेकिन अभी हम लिखेंगे यूट्यूब वॉच टाइम। आप अपना टाइटल चेंज करके चेक करेंगे कि आपका जो टाइटल है जो उसकी रैंकिंग डिफ़िकल्टी है वो कम हो जाए। ये देखें, मतलब ये इस तरह का कीवर्ड है, एक बहुत ज़्यादा सर्चेबल और बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। तो इसमें मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कुछ भी मतलब इसमें चेंजिंग करती रहने ताकि आपके जो कंपटीशन है वो कम हो जाए। ये देखें, अभी इसमें जो रैंकिंग डिफ़िकल्टी कम हो गई है, तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए उसके लास्ट में मतलब जो चेंजिंग किया, लेकिन आप लोगों ने वो चेंजिंग नहीं करनी, आप लोगों ने अपने टाइटल के हिसाब से उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है ताकि इसकी जो रैंकिंग डिफ़िकल्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। यहाँ पे जब 50% भी आ जाए ना तो फिर भी चल जाएगा, वो 50% आपको फर्स्ट नंबर भी मतलब रैंक कर जाएंगे, फिर आपकी फिफ्थ रैंकिंग अगर 50 नंबर पे है तो आप फर्स्ट पे रैंक कर सकते हैं। ये टूल मतलब ये टूल जितनी भी होती हैं ये सिर्फ आपको हेल्प करती हैं, बाकी फाइंड आउट हर चीज़ आपने खुद करनी होती है, खुद ही सारा कुछ जो जो मतलब चीज़ें होती हैं वो समझनी होती है। एक और चीज़ आप लोगों को चैनल के लिए सजेशन करता जाऊँ, आपने वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करनी है। अगर आप लोग वीडियो मतलब एक महीने में एक वीडियो अपलोड करते हैं, फिर अगले महीने में फिर महीना छोड़ देते हैं, इस तरह आपका चैनल फेल हो जाएगा। आपने वीडियोस अपलोड रेगुलरली करनी, इसमें ये होता है आपका जो चैनल होता है ना, जब एक आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे रिलेटेड जब आप अगली वीडियो अपलोड करते हैं, वो दोनों वीडियोज़ की अपलोड में ना वो मतलब आप जो सर्च इंजन होता है यूट्यूब का, उसमें आपकी वीडियो एंगेज हो जाती है। पहली वीडियो अपलोड की उसमें आपने 20 वीडियो लोगों ने मतलब उसको देखा था, जैसे ही उससे रिलेटेड आपने नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे
तो वो व्यूज़ को आपकी वीडियोस ऑटोमेटिक फर्स्ट नंबर पे सजेशन होगी, उसी वजह से आपके वो व्यूज़ 20 व्यूज़ जैसे ही जाएंगे फ़ौरन क्लिक करेंगे, उसकी वजह से आपकी जो वीडियो होगी वो सर्च इंजन में एंगेज्ड हो जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है इस इंस्ट्रक्शन को, अगर आप लोगों ने रैंक करना है। तो जो पहली चीज़ें बताई थी वो तो लाजमी है, लेकिन ये भी बहुत ही लाजमी है और काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी इग्नोर करना। बहरहाल वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने यहाँ से स्कोर चेक करने हैं, परफॉर्मेंस, और एक और चीज़ परफॉर्मेंस आपकी कभी कभार ऐसा होता है न्यू चैनल्स न्यू वीडियोस पे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं आती, तो आपने 2 से 3 दिन वेट करना है, उसके बाद आपने दोबारा आके इस पे चेंजिंग करनी है इसकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो 2 से 3 दिन आप वेट कर लें, उसके बाद फिर आप आके इसके टैग्स वगैरह में चेंजिंग कर दें डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत, ताकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें और जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक करेंगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही सॉफ्टवेयर का मसला, वो बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को मैंने पता है क्रोम एक्सटेंशन फ्री है, आप फ्री इसको यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के इसको आप मतलब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे ऐड है। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसला पेश आ रहा है तो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।